بسم الله الرحمن الرحيم. जानी को जो दुनिया में सबसे पहला अजाब मिलता है ना, वो ये मिलता है कि उसको इस गुनाह का चस्का लग जाता है। वो जिना करता है ये सोच के कि सिर्फ एक दफा करूंगा, लेकिन ये हमेशा सोच सोच के करता रहता है और इसी हाल में उसकी मौत आ जाती है। जानियों में मरता है वो। ये बहुत बड़ी भूल है कि मैं एक दफा गुनाह कर लूं फिर तौबा कर लूंगा। और ये शैतान इसलिए करवाता है, यार देखें तो सही इस गुनाह में लज्जत कैसी है, जायका कैसा है। ऐसी अल्लाह की तरफ से उस पर फिटकार बरसती है ना जानी पर, वो तड़पता है कि मुझसे छूट जाए। किसी किसी को अल्लाह तौफीक दे देते हैं, लेकिन आम तौर पर क्या होता है, गया बस। इतना मुश्किल होता है फिर उसको इससे, इस दलदल से निकलना। अल्लाह कहते हैं अब गंद में मुंह मारा है, गंद में रहो। अब गंद खाया है ना, अब गंद खाया तो अब गंद में रहो, फिर गंदगी में उसको मजा आता है फिर वो। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जिन लोगों से जिना नहीं हुआ अल्लाह का वास्ता, कभी भी इस गुनाह के करीब मत फटको। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तकरबु जिना, जिना के करीब मत जाओ। करीब कैसे करीब जाता है इंसान? आपके घर में कोई रिश्तेदार जवान लड़की आ गई है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आप घर से बाहर निकल जाओ। बाज दफा ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि कोई मेरी रिश्तेदार खातून आई, जवान थी, कजन थी, घर में मैं था, वो अकेली थी, वो आ गई तो मेरी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत मुश्किल से बचा मैं। उनसे कहता हूं आप घर से निकले क्यों नहीं, ये तो आप करीब तो चले गए ना। जब एक जवान लड़की आपके घर में आई है, आपको उस वक्त घर में नहीं होना चाहिए, निकल जाओ वहां से, ऐसे दूर भागो जिना से, इतना दूर भागो। अंबिया ऐसे ही करते थे, तभी तो बचते थे वो। जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं वो ये नहीं कि जिना नहीं किया, वो हमेशा जिना से दूर भागे। हमारे उस्ताज ने एक वाकया सुनाया था हमें, किताबों में ये वाकया लिखा है कि एक तालिब इल्म था, पुराने वक्तों की बात है, रात को मस्जिद में चिराग लेके मुताला कर रहा था। पहले जमाने में लाइट वाइट तो नहीं होती थी, गाड़ियों के सफर नहीं थे, ऊंटों के सफर थे, तो मुसाफिर लोग बाज दफा आके मस्जिदों में ठहरते थे। तो उसने देखा कि एक जवान लड़की है, पर्दे में है लेकिन खूबसूरत जवान लड़की, वो आई और उससे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे रात, एक रात मस्जिद में गुजारने दे दो। बाकी यानी सही थी वो, इसी तरह हुआ, तो कहीं भटक गई थी। शहर में भी बाज दफा लोग भूल जाते थे ना कि रास्ता, भटक जाते थे। अब ये परेशान था कि मैं इसको रात को अगर पनाह देता हूं तो मुझे शैतान बरगलाएगा, और इस लड़की को अगर मैं पनाह नहीं देता तो ये कहां जाएगी रात को, कोई और इसकी इज्जत से खेलेगा। तो उसने बहरहाल उसको ठिकाना दे दिया, उसको कहा कि आप उधर उस तरफ जाके सो जाएं। नतीजा क्या निकला है कि वो लड़की इसको देख रही थी, ये करता क्या है, उसको भी अपनी इज्जत का डर था ना कि कहीं ये दस दराजी ना करे। तो ये नौजवान जिस चिराग में मुताला कर रहा था, मुताला करते करते उसकी आग में अपनी उंगली लेके जाता और उसको जलाता, जैसे ही वो जलने लगती तो इस उंगली को वापस खींच ले, एकदम तपिश आग लगती ना, वापस खींचती, फिर थोड़ी देर बाद ये उंगली उसमें लेके जाता, फिर वापस की, पूरी रात ये करता रहा है और अपनी उंगली को जलाता रहा है। सुबह उठ जैसे ही हुई है, इसने फौरन, सुबह सादिक हुई ना फजर की अजान के वक्त, इसने फौरन उस लड़की से कहा यहां से चली जाओ, फौरन यहां से फौरन चली जाओ। उसने कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये मुआजरा नहीं बताओगे, रात तुमने किया किया है। कहने लगा ये मेरा और अल्लाह का मामला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने फिर अल्लाह का वास्ता देखेगा, उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं यहां से जब तक बताओगे नहीं। उसने कहा शैतान मुझे वरगला रहा था कि एक जवान लड़की है, अजनबी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जिना कर लो इससे, कोई देखने वाला नहीं है। शैतान मुझे लेके जाता था तो मैं अपनी उंगली आग में जलाता था अपने नफ्स को यह समझाने के लिए कि दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना फिर। और अगर तुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा।
कह रहे जब मैं आग में जलने लगता था ना तो मेरी चीख निकलती थी, यार ये नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त होगी। हदीस में आता है जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, 70 गुना ज्यादा गर्म। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बात बताई, तिर्मिजी की हदीस है कि सहाबा के सीने से रोने की ऐसे आवाजें आने लगी जैसे हांडी खोलती है, ऐसा रोए सहाबा, हालांकि सहाबा गुनाहों से बचते थे, इतना रोए हैं कि सीने के जैसे हांडी खोल रही होती है ऐसे उनके सीने से रोने की आवाजें आई। और अर्ज किया वल्लाही इन्नहा लकाफियतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की आग बहुत थी अजाब देने के लिए, अल्लाह ने इसको भी 70 गुना ज्यादा गर्म किया। तो उसने कहा कि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, मैं क्या करता था अपने आप को जलाता था, जब चीख निकलने लगती तो इस तरह पूरी रात मैंने अपने नफ्स को रोका है गुनाह से। तो तखवे की बरकत होती है। उस लड़की ने कहा, अब घर में जाके अपने वालिद से कहा कि मैं अगर निकाह करूंगी तो सिर्फ किससे करूंगी, इस नौजवान से, आफीफ और पाक दामन है। तो किताबों में लिखा है कि उसके बाप ने उसका निकाह देखो हराम से बचाया, अल्लाह ने हलाल तरीका रख दिया। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्हें मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं किया, उनको अल्लाह ने दुनिया में भी बहुत नवाजा है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, बल्कि अमेरिका से भी एक दूर इलाका है, उसका जगह का नाम मैं भूल गया। उन्होंने मेरा ये बयान सुन के मुझसे मिलने के लिए आए थे, वो मुझे पहचान गए ये बयान सुन के, मुमकिन है अभी मेरा ये बयान सुने वो। ये मेरे वालिद साहब का वाकया है। मेरे वालिद साहब जब अमेरिका गए, कुंवारे थे उस वक्त, मेरे वालिद साहब बहुत हैंडसम थे, खूबसूरत थे, और इतना चौड़ा तो उनका सीना था और ऐसी चौड़ी चौड़ी कलाइयां थी, बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने उनको मर्दाना वजाहत दी थी और आवाज ऐसी थी जैसे बबर शेर होता है, बहुत ही खूबसूरत आवाज, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। आप जाएं अभी हमारे महल्ले में जाके लोगों से पूछें क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी थी वालिद साहब की हमारे। जब इंतकाल हुआ है ना मेरे वालिद साहब का, तो पूरा महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला। मस्जिद के इमाम साहब जब भी जनाजे का ऐलान करते थे ना तो रोते नहीं थे, हजारों मैयतों के ऐलान किए थे। मेरे वालिद साहब का जब मस्जिद के इमाम साहब ऐलान कर रहे थे, 3 दफा ऐलान किया, 3 दफा रोए हैं, इतनी लोगों को उनसे मोहब्बत थी। तो ये कैसे हो गई, ये कैसे हो गई, क्यों अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी और क्यों अल्लाह ने उनको इतना नवाजा। वालिद साहब नेवी में थे, अमेरिका जब फर्स्ट टाइम जहाज गया है, कंवारे थे उस वक्त, तो कंवारा लड़का पाकिस्तानी या इंडियन हो पहली दफा अमेरिका जाए, वो भी कंवारा, कोई रोकने टोकने वाला ना हो और गुनाह की दावत मिले, बचना कितना मुश्किल है। तो वालिद साहब, ये मैंने वालिद साहब से बराह रास्त नहीं सुना, हमें ऐसी बातें वालिद साहब नहीं करते थे, किसी जरिए से सुना मैंने कि तुम्हारे वालिद साहब ने ये वाकया हमें सुनाया, किसी ने मुझे बताया। कहते हैं कि जब वो गए तो एक खूबसूरत अंग्रेज लड़की आई और उनको गुनाह की दावत दी। अब एकदम पहली दफा किसी पाकिस्तानी ने ये चीज मंजर देखा हो, ठीक है ना, अमेरिका का एक मंजर होता है ना, अब तो लोग मूवीज में इतना देख चुके होते हैं ना, उस वक्त तो ड्रामे फिल्में भी नहीं होती थी, मूवीज भी नहीं होती थी, तो पहली दफा ही देखा था ये ऐसा मंजर। तो वो घसीट के ले गई अपने घर। जब ये कहें घर पे गया हूं ना तो मुझ पे अल्लाह का खौफ आ गया, ये क्या कर रहा हूं मैं, वहां जाके वापस भागे हैं। उधर पहुंचने के बाद उस वो औरत गुस्सा हो रही थी कि अगर तुमने ये काम करना नहीं था तो मेरे साथ आए क्यों, क्यों मेरा खर्चा कराया तुमने, क्यों खर्चा कराया मेरा। तो आदमी और शर्मिंदा हो जाता है ना कि यार। तो वाले साहब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने जिंदगी में कभी ये गुनाह नहीं किया और मैं यहां पहली दफा आया हूं, अगर मैं इस गुनाह में पड़ गया अल्लाह की नजर मुझसे हट जाएगी, वापस भागे। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मौके पर। उस वक्त उनकी उम्र होगी 22 या 23 साल, ज्यादा से ज्यादा 24 साल होगी। तो भागे वापस। तो वालिद साहब कहते थे, जो जिन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया है, कि मुझे कहने लगे कि तुम्हारे वालिद साहब कहते थे कि उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या आया है, इनकलाब। फिर अल्लाह ने कुरान की तिलावत की तौफीक दी, हिफ्ज़ कुरान था भूल चुके थे, रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल बना फिर, ताकि कुरान दोबारा याद हो जाए। जहाज पे 3 साल इमामत की, दाढ़ी बड़ी रख ली माशाल्लाह,
और फिर इतनी इज्जत अल्लाह ने उनको दी, अल्लाह ने उनके, हमारे सब भाई माशाल्लाह दाढ़ी वाले हैं, सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं, घर में क्या आ गया पूरा, हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये असरात कहां मुंतकिल हुए हैं, खानदान में, पूरे पूरे खानदान में मुंतकिल हो गए ना। इंतकाल हुआ तो जनाजा मैंने पढ़ाया वाले साहब का। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उस बुराई में पड़ जाते, हमें पता चलता कि हमारा बाप ऐसा है, तो हम ऐसे होते? वैसे तो अभी भी कोई इतने नेक नहीं है, लेकिन गेटअप तो है ना, गेटअप तो अल्लाह ने मौलवियों वाला दे दिया ना, थोड़े थोड़े तो देखने की हद तक तो नेक बना दिया ना, ऐसे नहीं होते हम। तो ये जो बरकात है ये नस्लों में मुंतकिल होती है, नस्लों में। इतनी इज्जत दी अल्लाह ने, इतनी इज्जत दी थी कि इंतकाल के वक्त महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला रो रहा था इंतकाल, और हरे बहुत से लोगों ने वालिद साहब की कब्र के पास ना जगह घेर ली थी कि हम यहां दफन होंगे, यहां, हालांकि मस्जिद के इमाम नहीं थे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे कि वो कोई मुक्तदा और रहबर समझे जाते हो। तहज्जुद का मामूल था, तिलावत का मामूल था, और मैंने खुद भी कई दफा नोट किया, ऐसा लगता था उनके मुंह से खुशबू आती है, ऐसा महसूस होता था, ऐसा अल्लाह ने, क्योंकि तिलावत बहुत ज्यादा करते थे। जिस जब इंतकाल हुआ है ना, जिस दिन, उस दिन भी आधा घंटा तिलावत करके उठे, घर में उनका मामूल था, घर में आने के बाद ऑफिस से जब घर में आते थे ना, सबसे पहले नहा के, अजीब अजीब उनके मामूल थे, नहाते लाजमी थे रोजाना, और चूंकि फौजी थे ना, तो फौजियों की जो एक रूटीन होती है ना, वो तब्दील नहीं होती। अब जब फौज में थे तो गर्म पानी से नहाने की आदत थी, तो जून में भी गर्म से ही नहाते थे। हम कहते, अब वालिद साहब से कहते, गर्मी हो रही है, लेकिन वो एक रूटीन होती है ना फौजियों की, बस वो आना है, धोती पहनी, गुसलखाने में चले गए, पानी गर्म पहले किया, अपना काम सारा खुद करना, किसी से काम ही नहीं लेते थे, और वो दो मिनट के अंदर ऐसे फुर्ती से नहाते थे। हम हैरानी है कैसे नहाते, इतनी देर में, कहते मैं साबुन से बकायदा तसल्ली से नहाया हूं, इतनी जल्दी जल्दी फुर्ती में काम करते थे। आते ही तिलावत करनी, और तिलावत ऊंची आवाज में करते थे, पूरे घर में वाले साहब के तिलावत की आवाज आती। मुझसे गलती ये हुई कि इंतकाल से चंद दिन पहले मैं उनकी तिलावत सुन रहा था, तो मेरा दिल चाह, मैं इसको रिकॉर्ड, उस वक्त रिकॉर्डिंग का इतना ज्यादा नहीं होता था, मैंने कहा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर सका, मैंने कहा चलो बाद में कर लूंगा, और उनका इंतकाल ही हो गया। वो तिलावत ऊंची आवाज से टोपी उतार के तिलावत करते थे, तो जिस दिन इंतकाल हुआ है, और अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाना, सारी जिंदगी किसी से खिदमत नहीं ली, सिर्फ जो है ना कमर दबवाते थे बेटों से अपने, तो मुझसे भी दबाते थे, मेरा ये अंगूठा बड़ा मजबूत हो गया है, वो कमर पे ना उनके ऐसे मालिश कर करके, ऐसे कमर पे मैं मालिश करता था वाली साहब की, ये तेल लगा के ना इधर, तो मेरे अंगूठे में बड़ी ताकत पैदा हो गई थी, तो मुझे कहते थे यार तुम हो बारीक से, मेरे बाकी भाई जरा, लेकिन यार तुम्हारे हाथ में बड़ी ताकत है, तो मैं कहता था कि ये मेरे हाथ में ताकत नहीं है, ये मालिश कर करके ना ये अंगूठा बहुत मजबूत हो गया है। तो क्या था, तिलावत की इंतकाल से पहले, और बार बार दुआ किया करते थे कि अल्लाह बिस्तर पे लेटू नहीं, जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वाले साहब बिस्तर पे लेटे हों, यानी बीमार होके लेटे हों, अपना सारा काम फुर्ती फुर्तीलेपन से, ऐसा कोई बिल्कुल, तो वही हुआ मौत के वक्त भी ऐसा ही हुआ, आए हैं तिलावत की है, फिर उसके बाद गए ईशा की नमाज पढ़ने, सफ में बैठे हुए थे कि गिर गए, सफ से उठा के उनको हॉस्पिटल लेकर गए, नमाज की इकामत हो रही है और वहीं अटैक हुआ, और वही उनका कब्र का सफर था। कितनी अच्छी मौत दी अल्लाह ताला ने, कि एक दिन क्या हुआ, बारिश में भीगते भीगते आए हैं घर में, और फौरन नमाज के लिए गए, तो वालदा ने कहा कि भाई अभी बारिश हो रही है, उन्होंने कहा अल्लाह बोलेगा ऑफिस से यहां तक पहुंच गए, और अब यहां से मस्जिद तक नहीं जा रहे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, ऐसे नमाज के बाबत। सऊदी अरब में जब उम्मान में उनकी जॉब थी, कई कई घंटे का गर्मियों का रोजा होता था, लोग छोड़ देते थे, वालिद साहब कहते थे मर जाऊंगा रमजान का रोजा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए रमजान का रोजा कैसे छोड़, तरावी कभी नहीं छूटती थी, रमजान का रोजा कभी नहीं छूटता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई थी नहीं उनमें, ऐसी किसी की तारीफ करना गलत है, मगर अल्लाह ने मजमूई लिहाज से उनमें बड़ी सिफात रखी थी। ये सिफात कैसे पैदा हुई, अल्लाह ने एक बुराई से बचने की तौफीक दे दी, तो मैंने ये, अच्छा तो उसी में उनकी मौत वाकई हुई है, और रात को 12 बजे इंतकाल हुआ। उनके सारे काम ऐसे होते थे, मोटे मोटे काम और चुपके चुपके, शोबाजी का बिल्कुल भी शौक नहीं था उनको। हज, हमारे महल्ले से जब कोई हज करने जाता था ना, 6 महीने पहले ऐलान होता था फलां साहब हज पे जा रहे हैं, लोग पहले से आके ना उनसे दम करवाना, अब तो लोग बहुत हज पे जाते हैं, उस वक्त ये
25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त हाजी की बड़ी वैल्यू होती थी। हज पे जो जाने वाला होता था ना, लोग उससे पहले से माशाल्लाह हज पे जा रहे हैं। हमारे इमाम साहब पूरी रनिंग कमेंट्री शुरू करते थे स्पीकर पे, अब वो हज पे जाने वाले हैं, अब उनका नाम आ गया है। जनाजे की भी रनिंग कमेंट्री होती है हमारे महल्ले में, अल्लाह इमाम साहब की मगफिरत फरमाए, इंतकाल हो गया उनका भी, उसको लोग कहते थे ये रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं। जनाजे की चारपाई उठ चुकी है, तमाम हजरात से गुजारिश है कि जनाजा गांव में पहुंच जाए। अब जनाजा घर से निकल चुका है, मैयत को गुसल दिया जा चुका है, ईदी सेंटर से लाश घर में आ चुकी है, पूरी पूरी ना कमेंट्री होती थी। तो वो जनाजे की भी कमेंट्री, और अगर कोई बीमार होता था महल्ले का तो उसकी भी कमेंट्री। आगा खान में दाखिल हैं, उनके पित्ते में डॉक्टर ने पथरी बताई है, गफ्फार भाई के तमाम हजरात से गुजारिश, दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। पूरा महल्ला दुआ कर रहा था, अल्लाह गफ्फार भाई के पित्ते की पथरी निकाल दे। ठीक है, वो चूंकि सियासी थे, जमीयत के थे, तो वो पूरी ना सियासत से लेके चलते थे हर चीज। तो वालिद साहब अब जब हज पे जाता था कोई, तो उसकी फिर वो जब हाजी साहब आते थे उनका बड़ा इस्तकबाल। हमारे वालिद साहब को ये चीजें पसंद नहीं थी। वालिद साहब हज करके गए, गए पता ही नहीं चला, और वापस किसी को बोल्टन मार्केट में मिले, उसने कहा हमने तो सुना था आप हज करने गए हुए हैं। वालिद साहब ने कहा मैं भी अभी आया हूं। मैंने कहा जरा बोल्टन मार्केट से जरा टच करता हुआ घर चलो। एक थैला था उनके पास, उसी थैले में हज भी हो रहा है। पूरी दुनिया देखी थी वालिद साहब ने, पूरी दुनिया का सफर किया। बताते थे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये दो मुल्क ऐसे हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं। लेकिन इतनी सादगी, इतनी सादगी कि आप कहेंगे कि शायद ये कभी अंडा मोड़ भी नहीं आए होंगे। कोई शोबाजी नहीं थी, ऐसे चुपके से गए और हज करके चुपके से वापस। शोहरत पसंद नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं थी शोहरत। तो कोई भी काम है बस आराम से चुपके से कर लिया। खत्मे कुरान के मौके पर ही हमारे इमाम साहब ना सबको बुलाते थे, हाँ भाई अब तो वालिद साहब को भी, वालिद साहब को पसंद नहीं होता था कि नाम लिया जाए मेरा, तो ये चीज लोग उनकी पसंद करते थे। तो उनकी मौत भी ऐसे ही हुई है चुपके से। रात 12 बजे इंतकाल हुआ, मैं मदरसे में था, हम लोग पहुंचे, हम तो हैरान हो गए ये कैसे हो गया भाई एकदम। तो उनको गुसल दिया और फजर की नमाज के बाद जनाजा तैयार था, फजर में नमाज ही कम होते हैं, ऐलान हुआ फजर के बाद। जब पब्लिक हमारे घर आना शुरू हुई है तो जनाजा पढ़ के हम उनको दफना चुके थे। लोग कह रहे थे यार ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतने महबूब दुनिया से चले गए और हमें पता भी नहीं। हमने कहा भाई गए ऐसे वक्त पर हैं, वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त ऐलान हुआ था, मगर जाहिर है आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही चुपके से खामोशी से चले गए, खामोशी चले गए। तो लोग यही कह रहे थे यार ये ना इन्होंने दुनिया में कभी खिदमत ली है, ठीक है ना, जनाजे में भी किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे दो सफे हुई थी जनाजे की बस चले गए। तो कैसा अल्लाह ने चलते फिरते नमाज की हालत में उनको उठाया है। तो ये मैं क्यों, मैंने ये वाकया सुनाया ना, तो एक साहब बारबडोस से शायद मिलने के लिए आए मुझसे, तो मुझसे वो बयान उन्होंने सुना। पहले मेरा बयान सुनते थे, मुझे पहचानते नहीं थे, अमेरिका की किसी रियासत में थे या बारबडोस में, वल्लाह वालम। तो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे कहने लगे यार आप हाफिज मसूद साहब के बेटे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे यार मैं आपका बयान कब से सुन रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं था, आपने एक दिन मिंबर पे वाकया सुनाया, तो ये वाकया तो आपके वालिद साहब का वाकया है, और ये मेरे वालिद साहब आपके वालिद का वाकया मुझे सुना के अमरीका भेजा था उन्होंने कि बेटा हाफिज मसूद साहब की तरह जिंदगी गुजारना, अमरीका जा रहे हो जैसे वो बचे थे तुम भी बचना। तो कह रहे आपके तो वालदा को भी जानता हूँ मैं, आपके तो घर हम लोग पढ़ने आते थे, हमारी दादी से उन्होंने पढ़ा है, यानी हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग। अमरीका चले गए, हवादी से जमाना उनको अमरीका ले गए, ठीक है ना। तो कहने लगे कि जब मैंने ये आपके रोजाना बयान सुनता था, ये वाकया सुना, तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार आप तो बहुत, फिर मेरे भाई भी उनको जानते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये वाकया तो आपके वालिद साहब का, जब मुझे पता चला ना तो मुझे फिर पता चला आप उनके बेटे हैं, तो मुझसे मिलने आए स्पेशल यहाँ पे। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूं कि देखो भाई, जैसे जिना करना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही जिना से बचना अगर मौका मिले किसी को तो बहुत बड़ी नेकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा नवाजा, नवाजा कि नहीं नवाजा, बचे थे वो। तो भाई करने वाले बहुत हैं, बचने वाले थोड़े हैं। तो करने वालों में अगर अपना शुमार करोगे तो जहां बहुत सारे लोग हैं, मजे की जिंदगी गुजारी, थोड़े दिनों के लुत्फ और मजे हैं, उसके बाद दुनिया का सुकून भी गया और आखिरत में जहन्नम की आग।
और अगर बचने वालों में आ गए तो उन थोड़े लोगों में अल्लाह शामिल कर लेंगे जो थोड़े शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा माहौल क्रिएट करो कि फिर आपको बचने का मौका मिले। दूर भागो। मैंने बताया ना, कोई लड़की घर में आती है, बाहर निकल जाओ घर से। बोले भाई तन्हाई में नहीं, मैं तो इसकी एहतियात करता हूं। कोई जवान खातून अगर मसला पूछने आ जाए, बूढ़ी है तो कोई इतना मसला नहीं है, जवान खातून, ऐसा होता है बाज दफा खवातीन को तो माहौल का नहीं पता होता, अब वो आई है, मैं घर में कोई नहीं है, आगे दरवाजा बजा रही है, मुफ्ती साहब घर में मसला पूछ, घर में नहीं बैठूंगा, खड़े सड़क पे खड़े खड़े पूछो, ठीक है ना, बेगरामी है। घर में आना है तो फिर मस्जिद के किसी खादिम को या किसी बंदे को घर में बिठाऊंगा कि भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि बदगुमानी का मौका देना भी क्या है, हराम। हाँ, घर वाले मौजूद हों, अहलिया मौजूद हैं, फिर बेशक आके बैठो। और फिर भी मैं ऐसा नहीं करता कि अहलिया दूसरे कमरे में और ये खातून इस कमरे में मेरे साथ बैठे, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा करेंगे तो कौन आएगा है भाई।